जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में मनुष्यों का कल्याण करने वाला और उनके दुख तकलीफों को हरने वाला देवता बताया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ते समय हनुमान जी महाराज को कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहने का आदेश दिया था। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अभी हनुमान जन्मोत्सव भी आने वाला है, जिसे हनुमान जयंती भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बता रही हूँ, जिसे यदि आप हनुमान जयंती के दिन करेंगे तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो हनुमान जयंती के बाद देख रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये उपाय किसी भी मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। मैं आपको हनुमान चालीसा के साथ जो हनुमान अष्टक होता है उसका एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक छंद है, जिसका पाठ करने से कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त होता है। तो अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, हनुमान चालीसा में मौजूद हनुमान अष्टक में कई ऐसे छंद हैं जो तत्काल संकटों को हर लेते हैं, जैसे कि कर्जे के भार से दबे हुए हैं, गरीबी है, घर में किसी भी प्रकार की कलह कलेश है, मतलब आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हों, आप इस छंद का पाठ करेंगे तो आपके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। ये उपाय करने से पहले हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर किसी लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें मोदक, ध्वजा और जनेऊ अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और फिर इस छंद का पाठ करें। दोस्तों, छंद इस प्रकार से है, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है, टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। दोस्तों, ये बहुत ही दिव्य छंद है। इस छंद का आप जितना अधिक पाठ करेंगे हनुमान जी महाराज उतनी ही जल्दी आपके कष्टों को दूर कर देंगे। वैसे आपको कम से कम 1008 बार इसका जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ से आपको अचानक बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा। हालांकि आपको कितना अधिक धन प्राप्त होगा ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन हनुमान जी महाराज आपकी गरीबी दूर कर देंगे, आपके सर से कर्जे का भार उतार देंगे और घर से कलह कलेश को समाप्त कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हनुमान जयंती के दिन इस पाठ को करने के अलावा आप प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको तेजी से धन लाभ होगा। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता हैं, अर्थात हनुमान जी को प्रसन्न करके आप धन संपत्ति, विद्या, स्वास्थ्य, वैभव, संतान और समृद्धि सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन मुट्ठी भर लाल राई को शरीर से 7 बार उतारा करके पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाना है। इससे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं और आप जिस कार्य को भी हाथ में लेते हैं उसमें उम्मीद से अधिक सफलता मिलती है, धन आने के नए मार्ग बनने लगते हैं। यदि आप जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन
घर के मुख्य दरवाजे पर एक कपूर जलाकर उस पर दो लौंग डाल दें। लौंग फूल वाला होना चाहिए, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होने लगती है। अचानक गिरा हुआ या फिर गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है और पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। आप चाहें तो ये काम प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इससे अनंत धन की प्राप्ति होती है और 7 पीढ़ियों तक गरीबी आपके पास भटकती भी नहीं है। एक काला रेशमी धागा बाजार से खरीद कर ले आएं और मंगलवार के दिन इस धागे को लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाएं। फिर इस धागे में 7 गांठें लगा लें और उस पर हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगा दें। साथ ही हनुमान जी से आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद उस धागे को लाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। इस उपाय के बाद आपके घर में धन से जुड़ी हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से घर में खुशियाँ आएंगी और तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। मंगलवार के दिन बंदर को चना खिलाया जाए या फिर चींटी को शक्कर खिलाया जाए तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से हनुमान जी गरीबी को मिटा देते हैं और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के काम बार बार बिगड़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मंगलवार के दिन भगवान राम के 108 फोटो को किसी को दान करने से बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, कार्यों में सफलता मिलने लगती है। साथ ही अगर मंगलवार के दिन 11 ब्राह्मणों को एक एक हनुमान चालीसा दान करते हैं तो इससे नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिलती है और व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। धन का आगमन तेजी से होने लगता है। मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर से हनुमान जी के बाएं पैर के अंगूठे और बाएं कंधे से सिंदूर लाकर आपको अपनी तिजोरी, दुकान के गल्ले या फिर ऑफिस में राम लिखना है। इस उपाय से कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी धनवान बन जाता है। जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन ये उपाय करके आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।